हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है हमारा फर्स्ट डे इन शिलोंग। कल हम लोग शिलोंग में पहुंचे थे। कैसे पहुंचे और क्या क्या चेकिंग थी, क्या था, अगर आपने अभी तक इस चीज़ को नहीं देखा है, ये मैंने पहले वाले अपने ब्लॉग में डाला था। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके देख लीजिए। आज हमारा हमने कल तो कुछ खास नहीं घूमे थे, कल तो हम बस अपने होटल पहुंचे थे। आज हम लोग घूमने निकले हैं और सबसे पहले हम जा रहे हैं वॉट्स लेक। हम लोग जहाँ रुके हैं वो शिलोंग, मेन शिलोंग से थोड़ा सा दूर है, 15-20 मिनट। तो ये जो वॉट्स लेक है ये हमारे रिजॉर्ट से अराउंड 20 मिनट्स दूर है। तो वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं और अभी मॉर्निंग के 10 o'clock हो रहे हैं और ठंड है यहाँ पे अभी इस टाइम पे काफ़ी। हम लोग अभी जनवरी एंड में यहाँ पर आए हुए हैं, ठंड है अभी 10 बजे। तो यहाँ पे काफ़ी धूप हो रही है और ये धूप काफ़ी पहले ही शुरू हो गई थी, लाइक 6 बजे के अराउंड ही धूप निकल आई थी काफ़ी। तो दिन तो यहाँ पे सुबह जल्दी चढ़ जाता है। एंड अभी बस हम निकले हुए हैं और यहाँ पे मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि लेक कैसा है। रास्ते का मैं आपको साथ साथ में वीडियोस दिखा दूंगी, बीच बीच में शॉर्ट्स डाल दूंगी मैं उसके। डस्टबिन है ना यहाँ पर, आपको भी दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारे से इसके बने हैं, बैम्बू के हैं ना, बैम्बू के ही हैं, बैम्बू के डस्टबिन है। काफी जगह पर ऐसे ही डस्टबिन दिख रहे हैं। डस्टबिन कितने क्यूट, नॉट जस्ट यहाँ पे, पूरे शिलोंग में ऐसे दिखे हैं हमें काफी जगह पे, कितने क्यूट दिख रहे हैं। हाँ, वी आर हेयर इन वॉट्स लेक। यहाँ पे बहुत अच्छी धूप है, बहुत अच्छा बैठने का बना हुआ है, गार्डन है और लेक है उसके पास में बैठना, बहुत सुंदर फ्लावर्स भी हैं, नर्सरी है, बहुत सुंदर डक्स मिली हमको यहाँ पे, उनके साथ हमने बहुत उनकी बहुत वीडियोस बनाई एंड बहुत प्यारा है, मतलब रिलैक्सिंग सा है, टूरिस्ट भी कम है तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके बैठना। एंड यहाँ की एंट्री टिकट थी 20 रुपीज़ पर पर्सन एंड यहाँ पे बोटिंग भी चल रही है, बोटिंग के चार्जेस हैं 80 रुपीज़ पर पर्सन। सो हम एक बोट कर रहे हैं, हमने 160 रुपीज़ पे किया है यहाँ पर और चलो चलते हैं, अब बोटिंग करते हैं और आपको लेक के बीच में से व्यू दिखाती हूँ बोटिंग करते हुए। हेयर इन आवर बोट, ये हमारी बोट है और ये हमारे बोट की चालक हैं जो डायरेक्शन दे रहे हैं और यहाँ से इस तरह पेडल से हम बोट चला रहे हैं। सही है, अच्छा है, सुंदर है, एक्सरसाइज हो रही है हमारी मज़ा बहुत आ रहा है, काफ़ी अच्छा है और धूप बहुत प्यारी लग रही है अभी यहाँ पर हमको।
सो हम लोग निकल गए थे वॉर्ड्स लेक से और अब हम आए हैं डॉन बॉस्को म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम 2003 में बना था और यहाँ पे जो भी हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है सबका कल्चर डिपिक्ट किया गया है, उनकी पेंटिंग्स हैं, उनका अलग तरीके से पूरा कल्चर दिखाया हुआ है। सो अब हम चलते हैं अंदर और मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ कैसा है। होपफुली हमें अंदर रिकॉर्डिंग तो करने देंगे, बाकी अंदर जाके देखते हैं। सो यहाँ की एंट्री टिकट है 100 रुपीज़ पर पर्सन, वो हमने ले ली है। और ये म्यूज़ियम संडेज़ को क्लोज होता है एंड यहाँ पे कैमरा के लिए भी हमें अंदर पे करना होगा, आई थिंक 100 रुपीज़ हमें को पे करना है फॉर द कैमराज। सो अभी हम उसका भी लेते हैं टिकट और आपको मैं अंदर भी दिखाती हूँ कैसा है। मैंने अभी आपको फ़ोटोज़ दिखाई सारी अंदर की, क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। हमने भी जो पे किया है कैमरा का रिसेट की, उसमें आप सिर्फ फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, वीडियो नहीं बना सकते। तो हम मैंने कोशिश तो करी है आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिखा सकूं। एंड अंदर काफ़ी अच्छा था, लाइक कल्चर पर था, उनकी उनकी ड्रेसेस पर, उनके जिस तरह से वो पहले हंट करते थे एनिमल्स को पहले, एंड उनके घर किस तरह से होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह दिखाई हुई हैं। और कुछ बहुत बाहर की कंट्रीज़ का भी दिखाया हुआ है, बट मोस्टली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का है सब कुछ। तो अभी हम उसके टॉप फ्लोर पे आए हैं। टॉप फ्लोर पे ये एक स्काई वॉक बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है ये भी। इस तरह से आप जो मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये पूरा ग्रिल से ये बना हुआ है एंड ये एकदम उसकी छत है। छत पर हम ऐसे इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा चल रहे हैं, स्ट्रेट नहीं है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। और काफ़ी पूरा अच्छा यहाँ पे ना सिटी का व्यू आता है, पूरा शिलोंग सिटी का व्यू आता है। तो मैं अभी आपको उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके वो भी इसमें दिखाती हूँ। सो देखो यहाँ से किस तरह पूरा हमें सिटी का व्यू दिख रहा है। और इसमें हर एक में इन्होंने डायरेक्शंस बताई हुई हैं किस साइड पर क्या है। लाइक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है इस तरफ, इस तरह से अम्पलिंग BSF एरिया, असम रेजिमेंट, कैथेड्रल, पूरा बताया हुआ है। और दिस इज द एंड यहाँ पे करके ये ऐसे पूरा है। सिटी का व्यू काफी अच्छा है यहाँ से। सो ये टॉप फ्लोर पे है इस बिल्डिंग के। डॉन बॉस्को म्यूज़ियम से हम निकल गए थे, वहाँ से जस्ट 100 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस पे एक बिस्ट्रो था, 3 Little Birds बिस्ट्रो। तो जस्ट कोजी सी छोटी सी प्लेस है, 3-4 tables है बस बैठने की, एंड ठीक था, अच्छा था। तो हमने बस वहाँ से चिली पोटैटो लिया था और एक छोटी बॉटल ली थी और एक कॉफ़ी ली थी, तो उसमें हमारा 100 रुपीज़ का बिल आया था। क्वांटिटी थोड़ी सी थी बट हमें बस हल्का सा कुछ खाने का मन था इसलिए हम वहाँ चले गए थे। एंड अब यहाँ पे हम आए हैं पुलिस बाज़ार में, और पुलिस बाज़ार के पास में एक गवर्नमेंट पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग है। सो अभी हमने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है और यहाँ पे चार्जेस है 10 रुपीज़ प्लस GST फॉर 1 आवर, तो काइंड ऑफ 11.8 फॉर 1 आवर, दैट इज़ द चार्जेस। और अब हम जा रहे हैं पुलिस बाज़ार, तो अब मैं आपको वहाँ का दिखाती हूँ।
अभी हम आए हैं हांगकांग रेस्टोरेंट, ये पुलिस बाजार में ही है और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है चाउमीन जो कि फ्राइड नूडल्स हैं और साथ में वॉन्टन, तो उसको मैं दिखा देती हूँ। हमने ऑर्डर करा है चिली वॉन्टन, चिली वॉन्टन एंड वो फ्राइड वॉन्टन है और चिली सी ग्रेवी में, दूसरा फ्राइड वेजिटेबल नूडल्स हैं जो कि नूडल्स हैं जो कि फ्राइड है। तो ये हमने ऑर्डर किया है और इसके हमने रिव्यूज देखे थे गूगल पे, तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया हुआ था कि आप यहाँ जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो हम यहाँ पे आए हैं और अब यहाँ पे अपना थोड़ा लंच करते हैं, कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं हमारे। आज हमने बस शाम को ऐसे ही घूमे हम वहाँ पे पुलिस बाजार में, आपको जैसे मैंने अभी वीडियो में दिखाया कि हम लोग हांगकांग रेस्टोरेंट गए थे, तो वहाँ पे हमने जो वॉन्टन लिया था वो तो बहुत ही औसम था और नूडल्स भी अच्छे थे। तो हमने तो ये दो चीज़ें ट्राई करी है, अगर आप वहाँ जाते हो तो आप और चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। देन हम जस्ट पुलिस बाजार में घूम रहे थे, कुछ बहुत शॉपिंग करी रैंडम थोड़ी बहुत, और हमने एक आध जैसे बैम्बू का आइटम्स भी लिए, जैसे एक हमने बास्केट ली थी, बट थोड़ा सा हमें ओवर कॉस्टली लगा कि क्योंकि शायद टूरिस्ट थे इसलिए वो थोड़ा ओवर प्राइस रखा हुआ था। बट वैसे मार्केट बहुत मतलब ऐसे है कि हमें आई थिंक दिल्ली में लगा कि सब कुछ मिल जाता है दिल्ली में भी, तो हमने ज़्यादा कुछ शॉपिंग करी नहीं वहाँ से। बट हमने पूरा टाइम अपना आज शाम का पुलिस बाजार में ही स्पेंड किया। देन वी वेंट टू अ कैफे, बस वहाँ जाके हमने कॉफ़ी पी, बट दैट वॉज अ मेघालयन कॉफ़ी एंड वहाँ पे जो उनके डिस्क्रिप्शन में जैसे लिखा हुआ था, तो वहाँ से मुझे देखकर पता चला कि मेघालय पहले तो असम का एक पार्ट था। तो जब ये असम का पार्ट था उस टाइम पे कॉफ़ी की कल्टीवेशन यहाँ होती नहीं थी, बट जब वो अलग हो गया, मेघालय अलग स्टेट बन गया, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉफ़ी की कल्टीवेशन शुरू हुई। पर जो फार्मर्स थे वो ज़्यादा उसकी कल्टीवेशन करते नहीं थे, ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते थे उसमें, क्योंकि उनको मार्केट नहीं मिलती थी उसको बेचने की। तो उसको मार्केट देने के लिए एक कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया बना यहाँ पर शिलोंग में, और उन्होंने उनसे कॉफ़ी लेना शुरू किया। उनकी दो वैरायटीज़ थी कॉफ़ी की, अरेबिका और रोबस्टा, ये दो वैरायटीज़ में बेचना शुरू किया। तो लेकिन ये था कि उनका सोल परचेजर जो था वो अगेन कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया ही रहा, और उस इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड अभी भी नहीं थे फार्मर्स उनको कल्टिवेट करने में, क्योंकि जो उनको पेमेंट भी मिलती थी वो भी बहुत टाइम बाद मिलती थी। तो इसीलिए थोड़ा सा उनको प्रमोट करने के लिए कुछ कुछ और बोर्ड बने, और वो वाला स्पेसिफिकली कैफ़े भी इसीलिए मतलब उन्हीं को प्रमोट करता था, और वहाँ पे बेच भी रहे थे वो कॉफ़ी। खैर हमने तो नहीं ली थी बट हमने पी थी वहाँ पर कॉफ़ी और इट वॉज़ गुड, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी बाजार घूमे हम और आज का दिन का हमने यही सब किया जो जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो अब हम वापस आ गए हैं अपने रिजॉर्ट में एंड इट्स वेरी कोल्ड राइट नाउ, बस अब हम बैठेंगे और रेस्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे रूम में। सो आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ और नेक्स्ट में नेक्स्ट कल का दिखाऊंगी, कल अब हम जहाँ भी घूमने जाएंगे तो मैं ये सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। सो सी यू सून एंड गुड नाइट, लव यू ऑल, प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 जाओ और सब्सक्राइब कर लो प्लीज। ओके बाय।